वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जो आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और जहां कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राजी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो आज है जी 28वां रोज़ा और आप सबको मेरी तरफ से 28वें रोज़े की सहरी और अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, तो बस मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट ना शॉपिंग से ही, वहीं से जहाँ से वीडियो को स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करने लगी हूँ। तो बस आप हमारे साथ ही रहिएगा और हमारी वीडियो को देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा और भी बताइएगा कि हमारी शॉपिंग कैसी, हमने कैसी शॉपिंग की, और भी कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आ गए हैं अपने बच्चों के साथ बाजार में, हम पूरी फैमिली है यहाँ पे, तो बस चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अपनी तबीयत के बारे में बताया था कि मेरी तबीयत खराब थी, तो आप लोगों ने इतने इतने अच्छे कमेंट्स किए, आपने मुझे लंबी जिंदगी की दुआ दी, सेहत की दुआ दी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का, इतने प्यार का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? और हाँ, मामा की तभी भी तबीयत खराब थी और मामा आज कह रही थी कि मैंने नहीं बाजार जाना, अगर मेरे घुटने में दोबारा दर्द शुरू हो गया और मुझसे वहाँ चला भी नहीं जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि नहीं आप आ जाए, इंशाल्लाह नहीं होगी। और वैसे भी माओ के बगैर तो शॉपिंग का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि अगर चीज़ दिल से हम खुद भी पसंद कर लें, लेकिन जब चीज़ पर मामा खुद में एग्री हो जाए, स्टेप लगा दें कि हाँ ये ठीक है, तब तो दिल सेटिस्फाई नहीं होता, मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पे हमारी वैसे तो अलहमदिल्ला की काफ़ी शॉपिंग हो गई थी, बस थोड़ी सी रह गई थी कॉस्मेटिक्स वगैरह और कुछ और चीज़ें, तो उसके लिए आज हम मार्केट आए। बस इनकी ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें इनकी कितनी चीज़ें हैं। बस जी बच्चों का तो दिल ही नहीं भरता शॉपिंग करने से, अब शुरू होते हैं ना तो बस ख़त्म होने का भी नाम ही नहीं लेते हैं। नहीं मामा यार, हमने के फजूल चीज़ें नहीं थी ली, काम की चीज़ें ली थी और आपकी मर्जी से ली थी हमने। मर्जी से तो मेरे लिए थी, अब मैं जैसे ही माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं ना, वैसे इनके बाबा हैं, घर से मुझसे ये कह के गए थे कि बस थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी सामान लेना है, तो चलो तुम भी साथ। लेकिन वहाँ पे जाके तो बस ये एक शॉप से निकल रहे थे, दूसरी में जा एंटर हो रहे थे और इनकी शॉपिंग थी ख़त्म ही नहीं हो रही थी बस। मामा सारा प्लान सिर्फ आपको साथ ले जाने का था कि एक दफ़ा आप साथ आ जाए फिर चले हैर। और आपको बताइए, हमें शॉपिंग करने का मज़ा ही नहीं आता आपके बगैर, हमें भी नहीं बल्कि बाबा को भी नहीं मज़ा आता है। वो अपनी पसंद ले लेते हैं लेकिन आपसे भी बाद में पूछते हैं कि देखिए ठीक है, आपसे मशवरे से आगे हमारी चीज़ें लेते हैं। हाँ अब तो तुम वो लगा रही हो ना, मुझे मस्त के लगा रही हो, लेकिन वाकई इन्होंने मुझे बहुत थका दिया था। और बस ये शॉपिंग करते करते फिर हम लोग को लग गई भूख, इतना टाइम हो गया हुआ था। हमें ये था कि शायद जो बाजार है ना वो 11-12 बजे तक बंद हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग पहले गए थे ना तो कहते थे कि बस जी 10 बजे तक ही है, ओपन रहता है बाजार, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन उसे पता चला कि 2-3 बजे तक बाजार खुला रहता है, सारी रात जो है वो खुला रहता है बाजार। तो बस शॉपिंग करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और वैसे भी बच्चे घर से ना खाना नहीं खा के गए थे, बस वो जो आलू टोबिया चने बनाए थे और चाट बनाए थे, बस वही खाया हुआ था। तो वहाँ पर तो सबको फिर इतनी भूख लग गई, तो मैंने कहा शॉपिंग छोड़े अब तो कुछ खाते हैं, तो बस फिर हम लोग खाना खाने के लिए रुक गए। जी मामा जान, रमजान की वजह से जो है ना इतना लेट था बाजार का टाइम, वैसे तो 10-11 बजे बंद हो जाता है और कुछ करीब ईद भी करीब आ रही थी, इसीलिए 3 बजे तक बाजार, और रश भी बहुत ही ज्यादा था बाजार में ना जी। और हम सबको भूख लगी तो हमने कहा चले खाना खाते हैं, और मेरे भाई को भी, उन्हें तो इतना गुस्सा आ रहा था कि हाँ बिल्कुल, मेरे बेटे को इतना गुस्सा आ रहा था कि तुम मुझे क्यों साथ लेके आए, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मुझे बस शॉपर पकड़ा रहे थे आप लोगों ने। क्योंकि उनकी जी माशाल्लाह ईद की शॉपिंग जो है वो कम्प्लीट हो गई है, उन्होंने खुद की है, वो अपने आप माशाल्लाह खुद करते हैं। और यहाँ पर जी हम बाबा जान हमें लेके आए गए थे हयातिया, इनका खाना बहुत मज़े का होता है, और जैसे कि बाबा ने प्रॉमिस किया था हमसे कि आज बाहर खाना खाएंगे, तो बाबा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हाँ बाबा ने अपना प्रॉमिस की पूरा किया सच्ची में। पहले हमारा प्लान यही था कि हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे, इफ्तारी बाहर करेंगे, लेकिन मैंने तो घर में बना लिया ना, तो उसके बाद यह है कि उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, बच्चों का भी शौक पूरा हो गया, खाना बाहर खाएंगे बाबा के साथ। और मामा का जो खाना हम शहरी में खा लेंगे। हाँ मेरी तो वो जो भिंडियाँ वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं, बच्चों आप लोगों को शहरी में खिलाऊंगी, फिक्र नहीं करो तुम लोग।
मामा ठीक है, आप भी खुश और हम भी खुश। और यहाँ आती हूँ कि चाँपे मेरे बाबा जान के फेवरेट है। इनके चाँपे कबाब सब खाना है ना माशाल्लाह, बहुत मजे का होता है कि हम बता नहीं सकते। और यहाँ पर जो हम लोग आ गए थे घर में, और ये देखे माशाल्लाह इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, ये कुछ ऊपर ये ले आए हैं हम लोग शॉपर से, कुछ अभी नीचे पड़े हुए थे ये देखे। तो बस ये आपके साथ शेयर करते कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या चीजें ली। तो लेकिन बर्तन घर में वैसे ज़ाहिर कुकिंग करके हम लोग चले गए थे इफ्तारी के फौरन बाद, तो बर्तन वगैरह जो थे वो धोने वाले थे। तो मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं देखना, फातिमा सबसे पहले तुम ये करो कि चलो बर्तन साफ करते हैं। बस ये हम माँ बेटियों ने मिल के फिर ये बर्तन धोए, देखे कितने ज्यादा बर्तन है। हाँ इफ्तारी के बर्तन धुले ही नहीं थे, मामा कहती है अभी वॉश करके निपटा दें ताकि ये सहरी में भी यूज होने हैं। तो फिर सहरी में बर्तन धुले मतलब आराम से सहरी में हो जाती है। हाँ और सहरी में भी बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। और फातिमा को जी आ रहा था खूब गुस्सा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे घर में नहीं हर किसी के घर में ही है कि जब शॉपिंग करके आए तो सबसे पहले घर आके यही काम करते हैं, शॉपिंग चेक करते हैं कि कौन सी चीज ली कैसे ली, फिर जाके सेटिस्फाइड होता है दिल। तो फातिमा कहती है प्लीज देखने तो दे, मैंने कहा नहीं नहीं अगर तुम देखने लगे ना तो सहरी अंदर ही हो जाएगी, चलो पहले बर्तन दो। और ये देख के गुस्से में लगी हुई है मैं, और कहती है चलो फिर मैंने आज ना फुल वीडियो बनानी है ताकि सबको पता चले कि मैंने कितने ज्यादा बर्तन धोए हैं, और इसने बर्तनों पे इतनी लंबी वीडियो कर दी अपनी। मैंने कहा मैं गुस्से में हूँ बर्तन धो रही हूँ तो पता तो चले मैंने इतने बर्तन धोए हैं, मेरा चलो वो काम मेरी भी खुशी पूरी हो जाए। हाँ मेरे व्यूवर्स को पता चला कि मैंने कितने बर्तन धोए हैं, मैं हंस रही थी मैं क्या चले साथ में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जनाब कहती है नहीं मामा ये तो आपने ज्यादती की है, मुझे एक दफा देखने देती हमने क्या लिया। मैं क्या अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग लेके आए हो, बाद में देख लेना और अपने फिर व्यूवर्स को भी दिखाना कि क्या लेके आए हो अपनी शॉपिंग, क्या किया आप लोगों ने। लेकिन वो अलग एक्साइटमेंट होती है जब आप शॉपिंग करके आए घर आके आप अपनी चीजें देखें और एक दफा ट्राई करें। मैं तो ऐसे करती हूँ, आप लोग भी कमेंट में बताएगा कि आप भी ऐसे करते हैं। ये भी ऐसे करती है कि बाबा भी ऐसे करते हैं शॉपिंग करके आए ना तो आके लाजमी चेक करते हैं एक दफा पहन के, हालांकि उधर से शूज वगैरह पहन के चेक करके लाते हैं लेकिन घर में आके फिर चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। हाँ और वो इनको भी कहते हैं कि चेक कर लो अगर थोड़ा बहुत कुछ है छोटे बड़ा कुछ करना खाना तो अभी करवा लो ना, बाद में फिर टाइम नहीं लगेगा। अच्छा मेरे बाबा को सख्त गुस्सा चढ़ता है ये जो दोबारा चेंज करवाने जाते हैं चीजें, नहीं होता है कि शॉप एक दफा आए तब भी हो जाए सारी चीजें, मेरे बाबा के साथ दोबारा ना जाना पड़े। उनके पास इतना टाइम ही ना होता, तुम्हारे बाबा मसरूफ बिजी बंदे हैं जी, तो इसलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो उनको यही होता है कि बस मैं आ गया हूँ साथ तो अब बस जो लेना ले ले, मुझे बार बार नहीं कहना कि दोबारा मेरे साथ चले, और जो चीज लेनी है बिल्कुल परफेक्ट ले ले ताकि दोबारा वापस ना करवाना पड़े, ये उन्हें बहुत बुरा लगता है। और अगर कोई चीज बाई चांस छोटी बड़ी हो भी जाए तो फिर वो कहते हैं ऐसे ही पहनो रहने दो नहीं पहनो लेकिन मैंने दोबारा नहीं जाना। हाँ ये उनमें आदत है, शॉपकीपर भी कहते होंगे कि नहीं आप सेटिस्फेक्शन कर लें, वो पता है मामा वारंटी होती है कि आप आके चेंज कर देंगे, मामा कहते हैं नहीं भाई तुम अभी से ही करके दे दो मैं बार बार नहीं आ सकता। और दूसरी ये कि हम लोग शॉपिंग जब करते हैं तो सारा इतना शॉप इनके शॉप्स पे नहीं जाते हैं, बस जो महसूस शॉप्स है चंद उन्हीं पे जाते हैं, क्योंकि जो वो फिर उन्हें पता चल गया हुआ है तुम्हारे बाबा का के कि हम ही से चीज़ देते हैं, तो बस फिर उधर ही जाते हैं। और अपनी भी हमारी भी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये अच्छी चीज़ देते हैं इनके पास ही जाए। जी ऐसे ही है, हम ज़्यादा शॉप्स में नहीं उधर जाते। और यार ये देखे जी अब भिंडिया माशा से वही गर्म हो रही थी जैसे पका के गई थी वैसे की वैसी देखे पड़ी है, एक किसी ने एक लुकमा भी इनमें से नहीं लिया। जी तो जैसे मामा ने कहा था कि सहरी में मैं आप सबको भिंडिया ही खिलाऊंगी, तो यहाँ मामा अपनी बात पूरी कर रही है, आज भिंडिया गर्म कर रही है हमारे लिए सहरी के लिए। और यहाँ पे मैं मामा के लिए फुल्का जो है मैं बना रही, क्योंकि मामा को जो है वो खांसी लगी हुई है, तो मामा कहती मैं पराठा नहीं खाऊंगी। ये फुल्का पकाने पराठा पकाने से ये है कि मामा मुझे भी अब रोटी पकानी आ गई, आपको पता है। हाँ जनाब ये बनाया तो मैंने, बस आप तो सेक रही हैं ऊपर। ये है बात। लेकिन मैं कल तो बना तो रही हूँ ना, अब मैं चले आहिस्ता आहिस्ता सीखती होंगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखती होंगी। हाँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फातिमा सीख जाएगी, क्योंकि फातिमा को बहुत शौक है कुकिंग का, और जिस काम का शौक हो ना वो काम आप जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी हो जाता है वो काम। क्योंकि कुकिंग का शौक भी अच्छा है, जब दिल चाहे कुछ खाने पीने को आराम से बनाओ और खा लो। और साथ में ये पराठे बनाए थे बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए, और अब फातिमा कहती थी कि मैंने ना ये जामेश्वरी बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी आज कहती कि मैं लस्सी नहीं पीऊंगी, लस्सी बनाई थी इनके बाबा के लिए और बच्चों के लिए, लेकिन मैंने बोला मेरे लिए तो तुम जामेश्वरी बना दो ताकि मैं आराम से ना वो पी लूँ।
जी ये सिर्फ स्पेशल मामा के लिए बन रहा है क्योंकि उनका कह रहा दिल था और वैसे भी उनको खांसी लग गई है। हाँ बस कल मैंने वो आलू रुपया चने खाए हैं ना तो उसकी वजह से मुझे खांसी लग गई है। मुझे तो बिल्कुल भी ना ये सूट ही नहीं करते हैं, दिल बड़ा करता है खाने को लेकिन खा लूँ तो फौरन गला खराब हो जाता है पता नहीं क्यों। हाँ मामा दही वाली चीज़ें भी इतनी खाती। और यह मामा के लिए बनाई थी, मैंने सोचा चले मैं साथ में भी पी लूंगी। आजकल मुझे ड्रामेश्वरी बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि पहले मुझे इतना पसंद नहीं था लेकिन आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद रोजे की वजह से प्यार लग रही थी ना। और ये देखिए फातिमा ने इतना अक्ल वाला काम किया है, वो पूरा ढेला जो बर्फ का था ना वो अंदर डाल दिया और सारा जामेश्वरी बाहर आ गया। और जब मैं डाल रही थी मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मामा भी हंस रही थी और साथ साथ मेरे काम भी खराब कर दिए। कहते मैंने वीडियो मेरी कट नहीं कीजिएगा, मैंने कहती काट दे, मैं मैंने कट नहीं करी, मैंने दिखाना है सबको देखे फाना कितने गंदे गंदे काम करती है। और जब माँ ने भी कहते ये भी दिखाए एंड पे आपने देखो अगर देखे, कहती है मैंने साफ भी तो मैंने किया ना, मैंने कहा तू गंदा भी तो तुम ही ने किया। तो ये देखे हमारी कितनी क्यूट सी प्यारी सी ये स्टेफनी है, ये देखे छुप रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ, कहते नहीं जी मैंने कैमरे के सामने नहीं आना मुझे नजर लग जाएगी। हाँ वो कहते हैं मुझे नजर लग जाएगी। और ये जी फातिमा ने जो शॉपिंग की थी तो बस शॉपर से निकाल के इसने एक दफा पहले फाइव चेक किया क्या क्या है, तो फिर अब इसने ये बास्केट ये भी स्पेशल इसने ली थी और उसके साथ जनाब उसी में रख रही है और अब आपको दिखा रही है। पहले मैंने खुद सेटिस्फेक्शन किया है, ये मैं आपको कॉस्मेटिक्स दिखा रही हूँ अपनी। अभी ये बास्केट है ये भी हमने अभी न्यू बाय की थी, तो पहले वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बाकी ये शॉपिंग हमने क्या क्या की वो सारी आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। और ये सारी जो शॉपिंग है हमारी अगली और भी और कॉस्मेटिक्स की जो मैं आपके साथ डिटेल वगैरह है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या भी आप मेरे चैनल पर न्यू आया, और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग या आज का व्लॉग और मेरी मामा साथ मजे मजे की गॉसिप कैसे लगी है। दुआ में याद रखिएगा रखिएगा जी, अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा रखिएगा। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत सी शॉपिंग है मेरे हस्बैंड की, बच्चों की भी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो स्टार्ट किया है, तो हम भी रहेंगे एक न्यू नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कमिंग सून, मस्ट वॉच।